ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉन भले इस दुनिया से चले गए हैं, मगर उनके द्वारा क्रिकेट में दिया गया योगदान हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। गेंद और बल्ले से तो उन्होंने कमाल किया ही था, साथ ही युवा क्रिकेटरों की प्रतिभा को पहचानने की उनमें खास समझ थी। भारत के ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को इस मुकाम तक पहुँचाने में वॉन का बहुत बड़ा योगदान है। रविंद्र जडेजा की आज श्रीलंका के खिलाफ खेली गई शतकी पारी अपने गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि है। शेन वॉन जडेजा की प्रतिभा को 2008 में ही पहचान गए थे, इसलिए वो उन्हें रॉक स्टार कहकर बुलाते थे। बात आईपीएल के पहले सीजन यानी साल 2008 की है। उस समय शेन वॉन राजस्थान रॉयल्स टीम की कप्तानी कर रहे थे और जडेजा उनकी टीम का हिस्सा थे। उस समय जडेजा एक उभरते हुए खिलाड़ी थे। वॉन ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद की। पूरे टूर्नामेंट में वॉन ने जडेजा पर भरोसा दिखाया और वो इस भरोसे पर खरे भी उतरे। राजस्थान की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट जीता और उस जीत के हीरो बने दो खिलाड़ी यूसुफ पठान और रविंद्र जडेजा। दोनों ही खिलाड़ियों को वॉन बहुत पसंद करते थे। वॉन और जडेजा की नजदीकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वॉन युवा जडेजा को रॉक स्टार कहकर बुलाते थे। वॉन जडेजा की प्रतिभा को पहचान चुके थे, इसलिए जडेजा को उन्होंने ये निकनेम दिया था। हालांकि जडेजा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वॉन उन्हें इस नाम से क्यों पुकारते हैं। जी हाँ, ये रोचक किस्सा खुद जडेजा ने शेयर किया था। जडेजा ने एक इंटरव्यू के दौरान यह किस्सा शेयर करते हुए बताया था कि रॉक स्टार का क्या मतलब होता है, उस समय यह मुझे नहीं पता था। जब मैं शेन वॉन से पहली बार मिला तब मुझे यह भी एहसास नहीं था कि वो टेस्ट क्रिकेट के इतने महान गेंदबाज हैं। वो मुझे रॉक स्टार कहकर बुलाते थे और मुझे इस पर आश्चर्य होता था कि ना तो मैं गाना गाता हूँ और ना ही कोई ऐसी चीज करता हूँ जिसे रॉक स्टार कहकर पुकारा जाऊँ। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि वो मुझे रॉक स्टार कहकर क्यों पुकारते हैं। उस दोस्त का जवाब था कि वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर ढेर सारी मुस्कुराहट रहती है। जब बीते दिन वॉन के निधन की खबर आई तो जडेजा भी इमोशनल हो गए और उन्होंने ट्वीट किया और कहा, बिल्कुल हैरान हूँ, हमारे खेल के शानदार लीडर, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। जडेजा के इस ट्वीट के बाद मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने आईपीएल के दौरान शेन वॉन के साथ अपनी बातचीत को याद किया जिसमें जडेजा का जिक्र था। हर्षा ने जडेजा के ही ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए कहा, वह तुमसे बहुत प्यार करते थे जड्डू, डीवाई पाटिल स्टेडियम में 2008 का समय याद है, उन्होंने आपको फोन किया और मुझसे कहा, यह बच्चा एक रॉक स्टार है, हमने एक से ज्यादा बार आपके बारे में बात की थी, वह तुम्हें और यूसुफ को बहुत प्यार करते थे। आज भारत और श्रीलंका के बीच मोहाली में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने काली पट्टी पहनकर वॉन को श्रद्धांजलि दी, मगर उनके रॉक स्टार यानी जडेजा ने बल्ले से भी अपने गुरु को याद किया। जडेजा ने 228 गेंदों में 175 रन की नाबाद पारी खेलकर अपने गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि दी। जडेजा और वॉन की पुरानी आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने भी जडेजा की पारी को वॉन के लिए सच्ची श्रद्धांजलि बताया। आरआर ने ट्वीट कर कहा, रॉक स्टार, आपने शतक जड़कर उन्हें गौरवान्वित करा दिया। साथ ही कई फैंस ने भी जडेजा की इस पारी को वॉन के लिए सच्ची श्रद्धांजलि बताया है।